टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में मुंबई के बांद्रा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बांद्रा पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है वो टिकटॉक स्टार अदनान शेख, फैज बलोच, हरीश खान हैं। इन्हें पुलिस ने क्यों गिरफ्तार की है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया है और दूसरी बात किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था और तीसरी बात केक को तलवार से काटा गया। मुंबई पुलिस का कहना है पूरी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें ये तस्वीर है, आपको काफ़ी हैरानी होगी। 25 केक को तलवार के सहारे से कैसे काटी गई, क्या आपने इसके पहले इस तरह की केक काटते देखा है? टेबल पे रखे लाइन से 25 केक, हर केक को तलवार से काटकर जन्मदिन मनाया गया और साथ में ही कई दोस्त मौजूद रहे ये जन्मदिन के मौके पर। वीडियो किसी बिल्डिंग के टेरिस का है। इस वीडियो को वायरल होते ही मुंबई पुलिस हरकत में आई और इस वीडियो के सहारे मुंबई पुलिस टिकटॉक स्टार अदनान शेख, फैज बलोच, हरीश खान को गिरफ्तार कर बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां तीनों लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। इनके खिलाफ आर्म एक्ट के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, एफिडेविट एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई हैं। साथ ही वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जन्मदिन के मौके पर मेहमानों पर भी FIR दर्ज किया गया है। टिकटॉक स्टार अदनान शेख के फैन के लिए बुरी खबर ज़रूर है, मगर नियम को तोड़ने के खिलाफ उन पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, अदनान शेख, फैज बलोच, हरीश खान, जिन्हें बांद्रा पुलिस स्टेशन में ले जाते, हमने आपको पहले तस्वीर दिखाई है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।